हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे शकीला को, लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फिर इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज शकीला रिलीज हुई है एंड वो भी सिनेमाज में। शकीला जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है, शकीला की बायोपिक है। शकीला जो मलयालम की एक बहुत बड़ी स्टार थी, पॉर्न स्टार थी, ऑलमोस्ट पॉर्न स्टार, मतलब सेक्स फिल्मों की हीरोइन थी, लेकिन उनकी फिल्में ऐसे हिट होती थी कि बस ही बस। और फिर अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो टॉप स्टार से जीरो बन गई। उनकी फिल्मों पर बैन लग गया क्योंकि एक आंदोलन सा शुरू हो गया उनकी फिल्मों को लेकर। ये कहा गया कि क्योंकि वो सेक्स फिल्म की हीरोइन है और क्योंकि उनकी फिल्में इतनी ज्यादा चलती हैं, शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्स इन सोसाइटी। जो लड़के और आदमी रेप करते हैं उनकी फिल्मों की वजह से रेप करते हैं, और फाइनेंसियर्स उनकी फिल्मों से दूर हो जाते हैं, उनकी फिल्में सेंसर नहीं होती है, एंड देयरफॉर उन्हें घर बैठना पड़ता है। और फिर जब उनकी फिल्मों पर से बैन हटता है तो उनके ही फिल्मों के रेगुलर प्रोड्यूसर राजन उनके पास जाते हैं। दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना उनकी यानी शकीला की बायोपिक बने। और शकीला बहुत बहुत दिनों से चाहती थी कि उनका नाम भी रिस्पेक्टेबल नामों में आ जाए। जिस प्रकार की फिल्में वो कर रही थी एंड कर चुकी थी उससे उनको रिस्पेक्टेबिलिटी नहीं मिली थी, इसलिए रिस्पेक्टेबिलिटी की तलाश थी। तो क्या ये बायोपिक बनती है, कैसी जाती है, क्या शकीला को वो रिस्पेक्टेबिलिटी मिल पाती है, नहीं मिल पाती है, ये सब सवालों के जवाब आपको फिल्म के खत्म होते होते मिलेंगे। आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। इस फिल्म की कहानी लिखी है इंद्रजीत लंकेश ने, एंड जैसा हमने पहले भी कहा ये शकीला की बायोपिक है, इसलिए शकीला की आप बीती है, शकीला की कहानी है। एक्चुअली कहानी शुरू होती है जब शकीला यंग लड़की होती है, काजोल चुग ने वो रोल प्ले किया है। वो अपने पिताजी से बहुत प्यार करती है, पिताजी का हाथ बटाती है, बहुत गरीब परिवार है। शकीला की और चार छोटी बहनें हैं एंड माता है, पिता है। देखते ही देखते पिताजी की मौत हो जाती है, इसलिए पूरे घर का भार शकीला पर आ जाता है। शकीला की माँ प्लेड बाय अर्चना अटवले वो शादी से पहले जूनियर आर्टिस्ट रह चुकी है, और इसलिए स्वाभाविक है कि शकीला भी फिल्म इंडस्ट्री में आ जाती है। वैसे भी शकीला को नाच गाने का शौक है और वो सेक्स फिल्मों में काम करने लगती है, एक्सप्लॉइट होती है। शकीला बड़ी हो जाती है, दैट इज रिचा चड्डा, और वो इतनी नामी हीरोइन बन जाती है क्योंकि उनकी हर फिल्म हिट और सुपरहिट होती है, एक के बाद एक। लेकिन हर फिल्म में उनके शरीर का प्रदर्शन होता है बिकॉज उस टाइप की फिल्मों में ही वो काम करती है, अडल्ट फिल्मों में, सेक्स फिल्मों में। एंड देखते ही देखते उनकी फिल्मों पर बैन लग जाता है। उसके बाद कैसे बैन हटता है, कैसे उनकी बायोपिक बनती है, और उनकी बायोपिक में क्या क्या दिखाया जाता है, क्या वो खुश है ना खुश है, ये सब बताया गया है। तो कहानी इंटरेस्टिंग है, अच्छी है। स्क्रीन प्ले लिखा है सुनील अग्रवाल ने, विद एडिशनल स्क्रीन प्ले बाय जनार्दन महर्षि, रोहन बजाज एंड नैरिता दासगुप्ता। अब स्क्रीन प्ले और एडिशनल स्क्रीन प्ले के बारे में हम ये कहेंगे कि जो चीजें बतानी चाहिए थी वो बताई नहीं गई है, बहुत सटल तरीके से मैसेज पास ऑन करने की कोशिश की गई है। फॉर इंस्टेंस, शकीला कैसे एक्सप्लॉइटेड फील करती है एक सीन में दिखाया गया है, उसके बाद आपको समझना है, कुछ दिखाते नहीं है। प्लस एक्टर सलीम यानी पंकज त्रिपाठी, सुपरस्टार सलीम, पंकज त्रिपाठी कैसे उनके साथ गद्दारी करते हैं, कैसे उनके साथ ज्यादती करते हैं, ये भी बहुत सटल तरीके से बताया गया है। काफी चीजें डायलॉग्स के जरिए बताई गई है, ना कि सीन्स के जरिए। एंड आप तो जानते हैं जब तक सीन्स सामने देखने को नहीं मिले तब तक वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। डायलॉग से आपके माइंड में बात घुस जाती है, लेकिन वो जो इंप्रेशन, वो जो इम्पैक्ट कोई सीन का इम्पैक्ट पड़ता है वैसा नहीं पड़ता है। और क्योंकि शकीला का एक्सप्लॉयटेशन ऑडियंस को ज्यादा फील नहीं होता है बिकॉज सीन्स ऐसे नहीं है, इसलिए शकीला के साथ लोगों का इमोशन जुड़ता नहीं है। और इस प्रकार की बायोपिक के लिए बहुत जरूरी था कि शकीला के साथ ऑडियंस हो जाए, शकीला के साथ रोए, शकीला का दर्द समझे, शकीला के दुख में दुख बांटने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है।
ऑडियंस को फील होता है शकीला के लिए, लेकिन एज पैसिव स्पेक्टेटर्स ऑडियंस शकीला की कहानी का एक अंदरूनी हिस्सा नहीं बन जाती है, एंड दैट इज अ बिग बिग माइनस पॉइंट। यूं कहिए एक डॉक्यूड्रामा की तरह फिल्म मूव करती है, स्क्रीन प्ले मूव करता है, और तो और बहुत ही क्लास तरीके से स्क्रीन प्ले लिखा गया है, ना कि मासेस के लिए। तो कहानी तो मास वाली है लेकिन स्क्रीन प्ले थोड़ा क्लासी टच वाला है, और डायलॉग्स लिखे हैं रोहित बनावलीकर, रोहन बजाज और आकाश वाघमारे ने, एंड इन तीनों के डायलॉग्स कुछ जगह तो बहुत ही अच्छे हैं, बाकी जगह ठीक है, लेकिन पूरी फिल्म में अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी डायलॉग्स होते, तालियों वाले डायलॉग्स होते, तो बात ही कुछ और बनती। खैर ये तो बात हुई स्क्रिप्ट की, अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। ऋचा चड्ढा ने बतौर शकीला काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन फिर हम ये कहेंगे स्क्रीन प्ले की तरह उनकी एक्टिंग भी थोड़ी क्लास अपीलिंग है। अगर ज्यादा मास अपीलिंग होती तो ये फिल्म मासेस को खूब भाती। बट हैविंग सेड दैट, इट मस्ट बी एडेड दैट ऋचा चड्ढा ने काम बहुत ही अच्छा किया है। शी लिव्स द रोल ऑफ शकीला एंड अच्छी एक्ट्रेस तो है ही, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी, ये सब बढ़िया है। सुपरस्टार सलीम की भूमिका में पंकज त्रिपाठी ने भी काम अच्छा किया है। उनका परफॉर्मेंस बहुत ही सब्ड्यूड है और बहुत ही अलग किस्म का है, इसलिए मजा आता है उन्हें देखकर। शकीला की बहुत अच्छी दोस्त जो उनकी बॉडी डुप्लीकेट का काम करती है, सुहाना है किरदार का नाम, उस किरदार में एस्टन अरोना ने भी काम प्रॉमिसिंग किया है, अच्छा काम किया है। एंड राजीव पिल्लई जो शकीला के चाइल्डहुड फ्रेंड है, उनका नाम है अर्जुन, उनका सपोर्ट काफी अच्छा है। काजोल चुग जो यंग शकीला की भूमिका निभा रही है, शी इज ऑल्सो फर्स्ट रेट, टेरिफिक एक्ट्रेस। एंड अर्चना अटवले इन द रोल ऑफ शकीलाज मदर लेंस वेरी गुड सपोर्ट। विवेक मदन जो कि शकीला की फिल्मों के रेगुलर प्रोड्यूसर है, ही लेंस वेरी गुड सपोर्ट। सुचेंद्र प्रसाद डेफिनेटली मेक्स हिज प्रेजेंस फेल्ट, बहुत नेचुरल एक्टिंग, बहुत अच्छी एक्टिंग एज द प्रोडक्शन इंचार्ज। एंड संदीप मलानी जो कि फिल्म डायरेक्टर बने हैं, ही ऑल्सो लेंस एबल सपोर्ट। बाकी और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना अपना काम सही अंदाज में किया है। ये तो ही बात परफॉर्मेंसेस की, अब आइए एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। इंद्रजीत लंकेश के निर्देशन में ये फिल्म बनी है और उनका निर्देशन वाकई में अच्छा है, लेकिन स्क्रिप्ट एंड परफॉर्मेंस, ऋचा चड्ढा के परफॉर्मेंस, पंकज त्रिपाठी के परफॉर्मेंस की तरह डायरेक्शन भी बहुत क्लास अपीलिंग है। फिल्म में संगीत मीत ब्रदर्स और वीर समर्थ का है, एंड एक भी गाना सुपरहिट नहीं है। ये फिल्म द डर्टी पिक्चर की याद दिलाती है, लेकिन द डर्टी पिक्चर का म्यूजिक सुपर डुपर हिट था, एंड इस फिल्म में गाने कोई भी सुपरहिट नहीं है, कोई भी हिट गाने भी नहीं है। एंड लिरिक्स आर बाय कुमार, द लिरिक्स गो वेल विद द मूड ऑफ द फिल्म। गानों की कोरियोग्राफी यानी सॉन्ग डांसेस हैव बीन कोरियोग्राफ बाय विष्णु देवा एंड मुरली कृष्णा, एंड दे आर ऑल राइट, नथिंग टू शाउट अबाउट। इससे बेहतर गानों के पिक्चराइजेशन होने चाहिए थे। बैकग्राउंड म्यूजिक बाय वीर समर्थ इज क्वाइट नाइस। सिनेमेटोग्राफी संतोष राय की है जो कि बढ़िया है, और एडिटिंग बल्लू सलूजा की है जो कि शार्प है, लेकिन इससे ज्यादा क्रिस्प, इससे ज्यादा शार्प होना जरूरी था। तो ऑन द होल शकीला वैसे तो एक अच्छी फिल्म है, लेकिन बहुत क्लास अपीलिंग है। एंड सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट, शकीला के लिए लोगों के इमोशंस जागरूक नहीं होते हैं, लोग शकीला के साथ रोते नहीं हैं, शकीला का दर्द महसूस पूरी तरह से नहीं करते हैं, और इसलिए शकीला बॉक्स ऑफिस पर रह जाएगी। वैसे भी स्टार कास्ट बहुत ज्यादा तगड़ी ना होने के कारण, एंड जो फियर फैक्टर चल रहा है बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक, लॉकडाउन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वैसे भी लोग सिनेमा घर तक नहीं आ रहे हैं, इसलिए इस फिल्म की ओपनिंग भी कमजोर रहेगी, एंड इन द फाइनल टैली ये फिल्म बहुत जल्द भुला दी जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ शकीला, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड अगर आपने भी शकीला सिनेमाघर में देखी है तो जरूर हमें बताइए कि आपको फिल्म कैसी लगी। एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट, एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।